दोस्तों मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा के केस में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, एक अपडेट ऐसे निकलकर सामने आई जिससे ये साफ साफ सामने आ रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है जिन लोगों ने मलाइका अरोड़ा के पिता को खत्म किया। आखिर उन लोगों तक पुलिस कैसे पहुंची और किस तरह से सीबीआई की जांच बैठी है और इस मामले में कहां तक सीबीआई की टीम पहुंची है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आपको बता दूं कि अनिल अरोड़ा जिस तरह से टाइम वहां पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे एक दिन पहले ही उनके बेटी यानी कि मलाइका अरोड़ा के साथ उनके पिता का कुछ बहसबाजी हुई थी और इसी बात को लेकर सब उनके पिता छत पे गए थे तो उनके पीछे कुछ ऐसे लोग भी गए जो लोग मलाइका अरोड़ा के ही आदमी थे और कहीं ना कहीं इसी सब के कारण ही आ गया था। लेकिन इस बात में कितनी दम है ये सारा सबूत अब सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच बैठाई इस मामले में अनिल अरोड़ा के साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें कुछ ऐसे ऐसे सबूत भी सामने आए जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। बताया जा रहा है कि अनिल अरोड़ा के साथ जो भी कुछ हुआ था उस मामले में जिस तरह से फॉरेंसिक जांच आई, उस मामले में सीबीआई की टीम ने जांच की, उसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन लोगों का हाथ भी हो सकता है। और अब बताया जा रहा था कि मलाइका अरोड़ा के पिता के साथ जो भी कुछ हुआ है उस केस में उन्हीं सभी लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ जो कि अरबाज खान का लग रहा है और कहीं ना कहीं मलाइका अरोड़ा के साथ जो भी गेम खेला गया है इसमें मलाइका अरोड़ा भी शामिल हो सकती है। लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और सीबीआई का मानना है कि ये केस बड़ा मिस्टीरियस केस बनता जा रहा है और इस केस में कहीं ना कहीं अनिल अरोड़ा के साथ जो भी कुछ हुआ है इसमें मलाइका अरोड़ा का हाथ हो सकता है और अरबाज खान का भी हाथ हो सकता है। तो दोस्तों, देखने वाली बात है कि कब सीबीआई की तरफ से नई अपडेट आती है और अनिल अरोड़ा के साथ क्या सब कुछ हुआ है। इस सारा सबूत अब जैसे ही सामने आएगा मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर जरूर दूंगा। धन्यवाद।